नमस्कार, टीवी इंडिया के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। लोकतंत्र दिवस पर ठाणे और नवी मुंबई में ध्वजारोहण किया गया। ठाणे में पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने तिरंगा लहराया, वहीं नवी मुंबई मिनी मंत्रालय कोंकण भवन में आयुक्त ए बी मिसाल ने ध्वजारोहण किया। यहाँ पुलिस हेडक्वार्टर और मनपा मुख्यालय में भी आयुक्त ने तिरंगा लहराकर पुलिस परेड को सलामी दी। बेलापुर में कोंकण आयुक्त ने कल सुबह शिखर पर चढ़ाई करने वाले यंगेस्ट क्लाइबर रिदम को सम्मानित किया। वहीं मनपा आयुक्त ने कोरोना योद्धाओं को पुरस्कृत करते हुए नागरिकों से कोरोना टीका लगवाने का आह्वान किया। बहत्तरवें लोकतंत्र दिवस पर आज ठाणे और नवी मुंबई के प्रशासकीय मुख्यालयों में ध्वजारोहण किया गया। ठाणे में जहां पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने ध्वजारोहण किया और तिरंगे को सलामी दी, वहीं नवी मुंबई के मिनी मंत्रालय कोंकण भवन में आयुक्त ए बी मिसाल ने ध्वजारोहण किया। नवी मुंबई के पुलिस ग्राउंड पर आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भी कोंकण आयुक्त ए बी मिसाल ने ध्वजारोहण के पश्चात 5,400 फुट की ऊंचाई पर स्थित कलसुबाई पीक पर तिरंगा फहराने वाले सबसे यंगेस्ट क्लाइंबर रिदम को पुरस्कृत किया। बेलापुर के मनपा मुख्यालय में आयुक्त अभिजीत बांगर ने तिरंगा लहराया और यहां दर्जनों कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मनपा आयुक्त ने नवी मुंबईकरों से कोरोना टीका लगवाने का भी आह्वान किया। आज 26 जनवरी पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस हम जो मना रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड है वो कोविड का है। पिछले 9 महीने से ज़्यादा अभी टाइम हो गया जो हम कोविड का सामना कर रहे हैं। 15 अगस्त जो हमने मनाया था उस टाइम पे कोविड एकदम पीक पे था। उस तुलना में अभी जो सिचुएशन है काफ़ी हद तक उसमें सुधार दिख रहा है, लेकिन हमें अभी ढिलाई बरतने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन पूरे देश में शुरू हो चुका है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, जब भी आपका नंबर आएगा वो कोविन पोर्टल के द्वारा सारी प्रक्रिया की जा रही है, आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। वैक्सीनेशन के ज़रिए ही कोविड का सोल्यूशन निकल सकता है। सेकंड, वैक्सीनेशन करने के बाद भी जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर माना जाता है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन, ये तीनों का पालन सभी ने करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके ज़रिए जो कोविड की संख्या है वो जब तक जीरो तक नहीं आती तब तक हमें सतर्क रहना ज़रूरी है। मेरी अपेक्षा है कि अभी तक लोगों ने बहुत पॉजिटिवली इसमें रिस्पॉन्ड किया है, सहकार्य किया है। आज के बाद भी जब तक कोविड की संख्या ज़ीरो नहीं होती, ये जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो 303 हम कहते हैं, इसका पालन सभी लोगों के ज़रिए किया जाएगा।
फिर एक बार गणतंत्र दिवस की सभी नागरिकों को शुभकामनाएं। इस अवसर पर पुलिस मुख्यालय में भी पुलिस आयुक्त विपिन कुमार सिंह ने ध्वजारोहण के बाद नागरिकों को सुरक्षा की दृष्टि से सतर्क रहने और नवी मुंबई के विकास में योगदान देने की अपील की। पुलिस आयुक्त ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। सर्वप्रथम में आज 72वां जो प्रजासत्ताक दिवस है, ते प्रजासत्ताक दिवसाची सर्व नवी मुंबईकरांना माझ्या तर्फे आणि माझ्या सर्व आयुक्तालय पोलीस आयुक्तालयातर्फे सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांतर्फे सर्वांना मी खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि चांगलं या ठिकाणी आमच्या अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांनी चांगली परेड या ठिकाणी त्यांनी प्रस्तुत केली आणि आजचे दिवस आम्ही आपलं जे 13 जे आपले अधिकारी कर्मचारी ज्यांना माननीय पोलीस महासंचालकांची मान सन्मानचिन्ह मिळालं होतं त्यांना आम्ही त्याचे सर्टिफिकेट प्रदान केलेले आहेत आणि आणखी महत्त्वाच्या बाब ही आहे की आमच्याकडून 3 आमचे अधिकारी कर्मचारी आहेत ज्यांना आजचे दिवस पोलीस मेडल प्रदान झालेले आहेत। त्याचं नाव मी सांगायला तर विसरून गेलो त्या ठिकाणी। ते आपले DCP आहेत प्रवीण पाटील साहेब क्राईम ब्रांचचे, सिनियर पी आई दौंडकर आहेत तालुका पनवेल तालुका पोलीस स्टेशनचे आणि ASI संजय पवार आहे क्राईम ब्रांचमध्ये। ते असं 3 लोकांना आणि हे आपल्याला अभिमानाची गोष्ट आहे, 3 लोकांना ते पोलीस मेडल मिळालेले आहेत। त्यांनी चांगली कामगिरी केली आणि हे मेडल मिळण्यासाठी ते सतत आपल्याला चांगल्या कामगिरी करावी लागतं, ते आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स। मी सर्वांना बधाई देतो आणि त्यांनी पुढे असं चांगलं काम करतील त्यासाठी शुभेच्छा पण देतो आणि परत एकदा आम्ही सर्व नवी मुंबईकरांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।